बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज हम चिकन और शिमला मिर्च की ग्रेवी बनाएंगे, तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक पॉट चाहिए, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की फाइनली चॉप प्याज। प्याज डाल के हम तकरीबन 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे ये भी लाइट गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसमें 1/2 किलो अच्छी तरह से धुली हुई चिकन शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे ताकि चिकन भुन जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। इसमें जो मसाले शामिल कर रहे हैं उसमें शामिल है 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज के टमाटर ब्लेंड करके। अब हमने चिकन में टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही सारे मसाले भी डाल देंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 अदद शिमला मिर्च, ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आपको ऑरेंज शिमला मिर्च नहीं मिली तो आप इसमें ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को हमने ऐड कर दिया है चिकन में। इसमें हम 1/2 कप या अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे इस तरह। बस हमारा मज़ेदार सा चिकन और शिमला मिर्च तैयार हो गया है। आप इसको अब सर्व कीजिए, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।